सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एमएस धोनी और अंबाती रायडू की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को हुए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2018 के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को हराकर इस लीग में अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 205 रन बनाए, जिसके जवाब में सीएसके की टीम ने 2 गेंद शेष रहते ही 207 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान एमएस धोनी 70 रन 34 गेंद एक चौका और 7 छक्कों की बदौलत मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रही। पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर पवन नेगी ने सीएसके के शेन वॉटसन के रूप में तगड़ा झटका दिया, वो केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए। नेगी ने उन्हें सिराज के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद रायडू और रैना की जोड़ी ने पारी को संभाला और स्कोर को 50 तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला ही था कि तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 6वें ओवर की पहली गेंद पर रैना को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। रायडू और रैना के बीच दूसरे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी हुई। रैना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग्स भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।